सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आप सभी नियमित सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां हम बात करने वाले गूगल मैप बिजनेस में पोस्ट डालने के बारे में। काफी लोग जानना चाहते हैं कि गूगल मैप बिजनेस में पोस्ट डालने का सही तरीका क्या है, जिससे कि उनकी लिस्टिंग पे काफी अच्छे व्यूज आए और काफी जल्दी इंप्रूव करें उनकी लिस्टिंग। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को, आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बिजनेस को मेंटेन करूं, मैं आपके गूगल मैप बिजनेस को मैनेज करूं, तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले कि कैसे आप गूगल फोटो में फोटोज जो होती है या पोस्ट होता है वो कैसे पोस्ट करें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले गूगल मैप के ऊपर जाते हैं। गूगल मैप पे जाने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आप गूगल मैप बनाते हैं दोस्तों तो आप क्या करते हैं, केवल गूगल मैप से बना लिया, गूगल मैप को आपने मैनेज कर लिया, आपकी केवल लिस्टिंग करवा ली, उसके बाद में आप सोचते हैं कि यार गूगल मैप रैंक कर जाएगा, गूगल मैप पर कुछ भी इमेज डाल दूँ तो रैंक कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको गूगल को जो मैप बनता है गूगल के ऊपर माई बिजनेस बनता है, उसको अच्छे से मैनेज करना होता है। बिल्कुल आपको एसईओ के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करवाना होता है। अगर आपने एक बार प्रॉपर वे में सेटअप करवा लिया अपने गूगल मैप का, उसके बाद में आपको गूगल मैप रैंक करने लग जाता है। बट काफी लोग इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिस वजह से उनको बिजनेस नहीं मिलता। काफी लोगों का बिजनेस केवल इससे ही आता है, यानी आजकल के टाइम में आप जानते हैं छोटे से छोटे बिजनेस होते हैं, बड़े से बड़े बिजनेस होते हैं। आजकल के आपको भी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो सीधा आप गूगल मैप पर सर्च करते हैं, गूगल मैप पर उसकी लोकेशन सर्च करते हैं, नियर बाय कोई चीज़ ढूंढते हैं, फिर उनको कॉल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आप सामने वाले को बिजनेस मिल रहा है। तो इस केसेस में अगर आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो गूगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आपको पोस्ट भी डालना इतना ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहां पे अगर पोस्ट डाल रहे हैं आप और आप जानते हैं कि यहां पे जो भी पोस्ट आप डाल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि गूगल में हर कोई बंदा खोल के आपकी पोस्ट पढ़ रहा है। आपकी जो भी पोस्ट अपलोड होती है दोस्तों, वो गूगल खुद दिखाता है सर्च रिजल्ट के अंदर, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करता है, लोगों तक पहुंचता है, आपके व्यूज बढ़ते हैं, आपके सर्चेस बढ़ते हैं। तो यहां पे पोस्ट डालने का भी एक तरीका होता है। यहां पे आप प्रोफाइल पे जैसे आप जाएंगे दोस्तों, यहां पे आपको फोटोज का एंड पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, गूगल मैप पूरा ऑप्टिमाइज करवाने के बाद में ही आप ये चीज़ें करिए, ताकि आपका गूगल मैप जल्दी से जल्दी रैंक करे। जैसे आप ओवरव्यू की बात करते हैं, ये तो बेसिक सी बात है, आपको एक बार के लिए सेट करवाना है। और यहाँ पे अगर आपने अपने हिसाब से सेट कर लिया, ऐसे ही कुछ भी उठा के डाल दिया, तो आपका बिजनेस इजिली रैंक नहीं करेगा। तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपका गूगल मैप को पूरा ऑप्टिमाइज करके मैनेज करूँ, तो मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट भी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए गूगल मैप। बेसिक सी बात है, फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं, पोस्ट नए नए तरह के पोस्ट करते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी ये चीज़ों का ध्यान देना है। आजकल के फेसबुक के पोस्ट भी आप जानते हैं सर्च रिजल्ट में आने लग गए हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ के इन पोस्टों का तो बिल्कुल ध्यान देगा, गूगल का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए कोई फोटो अपलोड करी, अब बेसिक सी बात है, यहाँ पे जो भी फोटो आप अपलोड करोगे, काफ़ी लोग करते हैं कि यार कोई भी फोटो उठा के डाल देते हैं। आपको जो भी फोटो अपलोड करनी है, मान लीजिए आपकी जो भी सर्विस है उससे रिलेटेड आप कोई भी फोटो गूगल से निकालिए, या फिर आपने अपने सर्विस से रिलेटेड फोटो क्लिक कर ली, जो भी फोटो क्लिक कर रहे हैं वो HD क्वालिटी की होनी चाहिए, बिल्कुल रियल पिक्चर होनी चाहिए। और कह सकते हैं कि नेट से भी हम निकालते हैं पिक्चर्स, तो आपको ये देखना है कि यार जो सबसे टॉप रेटिंग में आ रही है उन्हीं पिक्चर्स को निकाले। इसका भी कुछ तरीका होता है निकालने का, मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो के लिए आपने जो भी फोटो सेलेक्ट करी उसको ऑप्टिमाइज करना जरूरी होता है। अब काफी लोग बोलते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। जो भी पिक्चर अपलोड करते हैं वो क्वालिटी वाइज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ज़्यादा सर्चिंग में आए, यानी आपको इस चीज़ को भी ऑप्टिमाइज करना है। आप जब 10 पिक्चर्स डालते हैं तो आपको ये चेक करते रहना है कि किस पिक्चर पर ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मैंने फोटो अपलोड कर ली, मान लीजिए कोई फोटो आप यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, आप कोई वीडियो अपलोड कर लेते हैं, तो कुछ भी यहाँ से अपलोड करिए, अपलोड करने के बारे में क्या होगा, आप यहाँ पे जाइए ऐड डिस्क्रिप्शन पे और उसी फोटो के बारे में आप यहाँ पे लिखिए। फोटो को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये होगा कि फोटो को रीनेम भी करिए। जैसे आप फोटो है, मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग की फोटो है, वेबसाइट डेवलपमेंट की कोई फोटो है जिसमें शो कर रखा है वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो मैं रीनेम करके उस फोटो के बारे में लिखूंगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग की फोटोज है, या फिर ये फोटो वेबसाइट डेवलपमेंट की फोटो है, या किसी भी सर्विस की फोटो है। अब फोटो पर लिखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में, कैसे आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप ग्रो कर सकें कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ फोटो अपलोड करना बताऊंगा कि फोटो कोई भी अपलोड कर लीजिए, आपसे वीडियो अपलोड कर लीजिए और वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो की फोटो अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में अपलोड करिए, वरना ये लेगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में 1500 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले कोशिश करिए कि स्टार्टिंग की दो लाइनें जो होती है दोस्तों, वो दो लाइनें आप कीवर्ड से रिलेटेड लिखिए। मान लीजिए आप सर्विस दे रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज इन जयपुर या वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज जो भी आपको लिखना है वो कीवर्ड डालिए जो लोग सर्च करते हैं।
स्टार्टिंग की 2 लाइन आप डाल देंगे आप अच्छी सी, तो उसके बाद में क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी उसको सर्च करेगा। गूगल का एल्गोरिथम इस तरह से होता है कि वो कंटेंट जो होता है उसकी शुरुआत के 2 लाइनें 3 लाइनें जो होती है दोस्तों उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, उसके बाद में वो नेक्स्टली बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो आपको शुरुआत में यहाँ पर कीवर्ड डाल देना है, उसके बाद में अपनी वेबसाइट का नाम डाल के चलिए, अपने नंबर डाल के चलिए, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन हो सके तो, मतलब इतनी चीज़ें नहीं आएगी, केवल वेबसाइट या फिर 2-3 चीज़ें आप एक्स्ट्रा लिख दीजिए, अच्छा सा कंटेंट लिखिए। और एक कंटेंट को 10 बार भी यूज ले सकते हैं, जैसे कि बेसिक सी बात, आप चेक करिए किसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं किसमें नहीं आ रहे हैं, वो आपको दिख जाएंगे। मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको देखना है, उसको चेक करके आप उस पोस्ट को वापस भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जल्दी से जल्दी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मान लीजिए आपने 10 बार पोस्ट डाल दी, उसके ऊपर 100 व्यूज़ आए, तो बेसिक सी बात है कि 10 डालने के 1000 व्यूज़ तो आपने ऐसे गेन कर लिए, तो इससे आपका गूगल मैप भी रैंक करेगा, ठीक है। इसके बाद में आप ऑफर्स भी डाल सकते हैं, जो ऑफर आपको लगते हैं, आप इवेंट से रिलेटेड कोई चीज़ डाल सकते हैं, ये नई नई एक्टिविटी आप डालते रहिए। गूगल के लिए हर चीज़ के लिए नया चीज़ है, व्हाट्स न्यू इसके अंदर भी गूगल ध्यान देता है, कुछ ऑफर डालेंगे तो गूगल उसको भी शो करता है। आप ध्यान रखिए गूगल का सबके लिए अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है इसमें, तो हर चीज़ को डालिए। हम यहाँ पे व्हाट्स न्यू डाल दिया, इवेंट डाल दिया आपने, ऑफर इवेंट नहीं भी है तो ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ शो करना है। ऑफर आपने डाल दी है, वेलकम ऑफर आपने डाल दिया, कुछ भी ऐसे जस्ट 2% डिस्काउंट 3% डिस्काउंट आपने शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन बटन भी आप लगा सकते हैं, इसमें आपको लगता है कि कोई बंदा बुक कर सकता है, ऑर्डर ऑनलाइन कर ले, बाय कर ले, उसका इलाज लिंक आपने डाल दिया, तो ये सबसे अच्छा स्टोर बन सकता है। अगर आपके ऑनलाइन सर्विस है, आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑनलाइन शो कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लगा भी सकते हैं ताकि लोग यहाँ से परचेज भी कर सके, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एडवर्टाइजमेंट भी करवा सकते हैं गूगल मैप के अंदर, तो इसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मेरे दिए हुए नंबर पर। ये सब चीज़ें करने के बाद में आप पब्लिश कर देंगे तो आपका पोस्ट है पब्लिश हो जाएगा। इस तरह से आप पोस्ट डाल के चलिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपको व्यूज़ दिखेंगे, ठीक है। इनको आपको ध्यान देना है कि जो व्यूज़ सबसे ज़्यादा आते हैं उसके अंदर आपको वही उनको अपलोड करके चलना है, 2-3 बार अपलोड कर दीजिए उसको। इस तरह से आप करेंगे तो मतलब कितनी पोस्ट डाल सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है इसकी, जिससे कि व्यूज़ आपके गेन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा दोस्तों। आने वाले टाइम में मैं फोटोज़ डालना बताऊंगा आपको, फोटोज़ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के डाल दी फोटोज़, फोटो डालने का भी कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। ये इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, एसईओ का कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ आपको, ताकि आपका बिजनेस है वो ग्रो करे, क्योंकि इसमें एसईओ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में, चाहे आपकी वेबसाइट हो, चाहे आपके गूगल मैप हो, चाहे कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसका एसईओ करेंगे तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, वरना वो बेसिक सी बात है, हमने मेहनत कर ली बस उनको रिजल्ट हमको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम प्रॉपर इमेज पे ध्यान नहीं देंगे। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं ये सब कुछ चीज़ें, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।